प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज मार्केट में आप देख रहे होंगे चारों ओर एआई की धूम मची हुई है। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब हमारा अकाउंटिंग फील्ड भी इस एआई से अछूता नहीं रहा है। अब मार्केट में एक ऐसी वेब एप्लीकेशन उपलब्ध है जिसके माध्यम से आप अपने पूरे मैनुअल अकाउंटिंग वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हमारे पूरे अकाउंटिंग वर्क जिसको करने में हमें घंटों लगते हैं उसे हम अब कुछ मिनटों में ही कर सकते हैं। चाहे हमारे पास टेली सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो या ना हो, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें टेली का सॉफ्टवेयर आता हो या नहीं आता हो, तो भी ये वेब एप्लीकेशन आपके सारे काम को ऑटोमेट कर सकती है। सरल शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि हमारे ऑफिस के अकाउंटिंग वर्क को ऑटोमेट करने के लिए एआई का बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस वेब एप्लीकेशन में यूज़ किया गया है। इस वेब एप्लीकेशन में ना केवल आप अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, परचेस ट्रांजेक्शन्स, सेल्स ट्रांजेक्शन को ऑटोमेट कर सकते हैं, बल्कि आप अपने सारे जीएसटी से संबंधित ट्रांजेक्शन्स, जनरल एडजस्टमेंट एंट्रीज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, इन सभी को 100% एक्यूरेसी के साथ टेली में एक क्लिक में पोस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस वेब एप्लीकेशन को मैं एक मैजिकल वेब एप्लीकेशन बोलता हूँ, और पर्सनली मैंने इसे यूज करके देखा है। पूरा प्रोसेस बहुत ही आसानी से सीमलेस किया जा सकता है, और आज के इस वीडियो में मैं इस वेब एप्लीकेशन को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। इस वेब एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों स्विट। इस एप्लीकेशन को हमें किस तरह से यूज करना है, किस तरह से ये टेली से कनेक्ट होगी, किस तरह से इस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से हम डेटा को टेली में पोस्ट करेंगे, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको भी करके दिखाने वाला हूँ। तो आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम स्विट वेब एप्लीकेशन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्विट एक एआई पावर्ड अकाउंटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, और इसे यूज करने के लिए हमें स्विट की वेब एप्लीकेशन को ओपन करना होता है, मीन्स स्विट की वेबसाइट को ओपन करना होता है, swift.io, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब यदि आपके पास आपका डेटा एक्सेल फॉर्मेट में है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, या कोई स्कैन पीडीएफ है, या फिर कोई इमेज के रूप में आपके पास डेटा है, तो वो सारा डेटा आप स्विट के माध्यम से टेली में सेंड कर सकते हैं। और इसे करने के लिए आपको एक बार अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, साइन अप करना होगा। साइन अप के प्रोसेस में आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ यूज कीजिएगा, और आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा। देन सिंपल आपको अपनी जानकारी देनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ देते हुए आप अपना एक अकाउंट इस स्विट वेब एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं। हमने अपना अकाउंट पहले से यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप इस वेब एप्लीकेशन में अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से साइन इन कर पाएंगे। और दोस्तों पासवर्ड जब हम साइन अप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ हमें अपनी इस वेब एप्लीकेशन के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। उस पासवर्ड को यूज करते हुए हमें इस वेब एप्लीकेशन में साइन इन करना है। देखिए हमने साइन इन कर लिया, और ये इस वेब एप्लीकेशन का एक डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब इस वेब एप्लीकेशन को हम अपने सिस्टम में स्टोर टेली से किस तरह से कनेक्ट करेंगे, उसके प्रोसेस को आप समझिएगा। ये तो एक वेबसाइट है, लेकिन ये वेबसाइट डायरेक्टली हमारे टेली से कनेक्ट नहीं हो सकती। उसके लिए हमें एक टेली कनेक्टर नाम का छोटा सा सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, और वो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा स्विट ऐप के अंदर। ऊपर जो आपको बटन दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने पर 64-bit या 32-bit, जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में है, उसके आधार पर आप यहाँ से टेली कनेक्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जनरली हम लोग टेली प्राइम का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे सभी कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit होता है, तो 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें स्विट का टेली कनेक्टर अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इस वेब कनेक्टर की सेटअप फाइल को आपको रन करना है। इस तरह से सेटअप फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद हमें इस टेली कनेक्टर एप्लीकेशन में उन्हीं यूज़र नेम और पासवर्ड्स का यूज़ करना है जिसके थ्रू हमने इस वेबसाइट या स्विट वेब एप्लीकेशन में लॉगिन किया था। तो फिर से मैं उन्हीं फ़ोन नंबर और पासवर्ड का यूज़ करता हूँ, और टेली कनेक्टर एप्लीकेशन में साइन इन मैंने यहाँ पर कर लिया है। दोस्तों आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये एक वेब एप्लीकेशन है और ये सीधे हमारे टेली से कनेक्ट नहीं हो सकती। इस वजह से हमें स्विट का टेली कनेक्टर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हुए उसे इंस्टॉल करना है, उसमें लॉगिन करना है,
और अब टेली के अंदर वो कंपनीज हमें ओपन करनी है जिसका डेटा हम सुविट के माध्यम से टेली में पोस्ट करना चाहते हैं। सपोज हमारी एक कंपनी है करियर प्लानेट, इसका डेटा मैं सुविट के माध्यम से टेली में सेंड करना चाहता हूँ, तो सुविट के टेली कनेक्टर एप्लीकेशन में वो कंपनीज हमें यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं जो कंपनीज हमने टेली में सेलेक्ट कर रखी होंगी। देखिए अभी मैंने यहाँ पर ये करियर प्लानेट नाम से कंपनी ओपन की है, तो टेली में जो भी कंपनी ओपन होंगी वो हमें सुनीत के कनेक्टर में दिखाई देगी। फिर से कोई और कंपनी में ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये बजट मैनेजमेंट वाली कोई कंपनी है, आप वहाँ देखिएगा अभी यहाँ कोई कंपनी आपको दिखाई नहीं दे रही है। एक बार आप क्लिक करते हुए फिर से एड कंपनीज ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको बजट मैनेजमेंट कंपनी दिखाई दे रही है। इट मीन्स टेली में जो भी कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे वो कंपनी हमें यहाँ पर सुविट के कनेक्टर में डिस्प्ले होने वाली है। कनेक्टर में हम जिस कंपनी के साथ ऑटोमेशन वाला काम परफॉर्म करना चाहते हैं उस कंपनी को हमें फर्स्ट टाइम पर सब्सक्राइब करना है। जैसे मान लीजिए इस कंपनी को मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ तो इसे मुझे सब्सक्राइब करना होगा। कनेक्टर हमें मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, डू यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब करियर प्लानेट, आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे ये टेली कनेक्टर क्या करेगा, हमारी टेली कंपनी में जितने भी लेजर्स बने हुए हैं, जितने भी मास्टर्स हमने क्रिएट किए हैं, चाहे वो आइटम मास्टर हों या सिंपल लेजर्स हों, उन सभी को सिंक्रोनाइज कर रहा है, उन सभी को ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और एक मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले हो गया है करियर प्लानेट की हमारी कंपनी सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो चुकी है। देन आप ओके कर लीजिएगा। अभी आप नीचे की तरफ देख रहे हैं एक और कंपनी है सुविट डेमो, ये मैंने आपको पूरा डेमो देने के लिए ही क्रिएट किया है और इसे मैं सब्सक्राइब कर चुका हूँ। अब मुझे मान लीजिए इस कंपनी में काम करना है, ऐसे आप मल्टीपल कंपनीज को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब इस कंपनी में मुझे काम करना है तो मुझे क्या करना होगा, टेली के अंदर वो कंपनी जिसका डेटा मैं यहाँ से सुविट के माध्यम से टेली में पोस्ट करना चाहता हूँ उसे मैं टेली के अंदर ओपन करता हूँ और टेली कनेक्टर ऐप के अंदर जाकर देखता हूँ। तो देखिए ये सुविट डेमो नाम से जो कंपनी थी ये यहाँ पर आपको कनेक्टेड दिखाई दे रही है, और जो मेरी अभी मैंने आपको कंपनी सब्सक्राइब करके दिखाई थी वो अब डिसकनेक्टेड दिखाई दे रही है। एक टाइम पर हम एक ही कंपनी के साथ यहाँ पर काम कर पाएंगे। और यहाँ फिर से हमें इस कंपनी के साथ दो बटन दिखाई दे रहे हैं, सिंक्रोनाइज मास्टर और सिंक्रोनाइज वाउचर। कनेक्ट करने के बाद जितने भी मास्टर्स आपने वहाँ पर टेली में क्रिएट किए हैं, लेजर्स क्रिएट किए हैं, उन्हें सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम पर आप ऐसा कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से कुछ वाउचर एंट्रीज कर रखी हैं तो आप सिंक्रोनाइज वाउचर बटन के द्वारा उन्हें सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन के इस प्रोसेस से हमारी टेली कंपनी के सारे डेटा को सुविट वेब एप्लीकेशन में हम ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि सुविट और टेली आपस में कनेक्ट हो जाए और हम सुविट के माध्यम से पुनः टेली के अंदर डेटा को सेंड कर सकें। अब मास्टर और वाउचर्स को मैंने सिंक्रोनाइज कर लिया है। आइए चलते हैं फिर से वेब एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पर जो ऑप्शन है उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। साइड में आपको एक बटन बार दिखाई देगी, इस बटन बार पर आपको माय कंपनीज बटन दिखेगा। इसमें जितनी भी कंपनीज आपने स्वीट वेब कनेक्टर के माध्यम से कनेक्ट की होंगी वो सब आपको यहाँ पर लिस्ट के रूप में दिखाई देगी। आप और भी कंपनीज ऐड करना चाहें तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने दो कंपनीज और भी ऐड की थी तो उन्हें भी फर्दर हम यहाँ ऐड बटन के माध्यम से वेब एप्लीकेशन में ऐड कर पाएंगे। अभी हमारी दो कंपनीज एक्टिवेट है जिसमें मैं अभी आपको सुमित डेमो के अंदर सारा काम करके दिखाने वाला हूँ। इसी तरह से आपको बैंकिंग सेक्शन मिलेगा। बैंकिंग सेक्शन से हम बैंक ट्रांजेक्शन्स को ऑटोमेट करना सीखेंगे। चाहे आपके पास बैंक ट्रांजेक्शन PDF फॉर्मेट में हो, एक्सेल फॉर्मेट में हो या स्कैन इमेज हो, सभी को हम ऑटोमेट अभी करके देखने वाले हैं। इस तरह से ट्रांजेक्शन जो बटन है उसमें आपको सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जनरल एडजस्टमेंट्स, एंट्रीज को ऑटोमेट करने की फैसिलिटी सुविट हमें प्रोवाइड करता है। और इतना ही नहीं, यहीं से आप वाउचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देन मास्टर सेक्शन आपको मिलेगा जिसके अंदर आप बल्क में लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं और रूल लिस्ट के थ्रू रूल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सब कैसे होने वाला है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और सुविट में आपको ऑडिट के भी कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। आप ऑडिट का GSTR 1, GSTR 2, GSTR 2B सब कुछ यहीं से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, यहीं से सारा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर आपने जिस भी कंपनी को सुविट से कनेक्ट किया है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप यहाँ पर देख पाएंगे। अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, उन फोल्डर्स में जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होंगे बाद में आपको बार बार उन डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग जगह पर सेव करने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ यहाँ पर आपको
मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि ये सारा डाटा 100% सिक्योर है। सुविट के पास AWS सर्वर की टेक्नोलॉजी है, सारा डाटा 100% इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव रहता है। देन रिपोर्ट सेक्शन के अंदर आपने जितना भी रिपोर्ट जनरेट किया है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट रिसिप्ट, आउटस्टैंडिंग, सब कुछ आप यहीं से देख पाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर मैप व्यू भी मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी सेल्स, आप स्टेट वाइज सेल्स यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। और ChatGPT का नाम तो हम सभी ने सुना है, उसी तरह से यहाँ पे आपको मिलेगा CAGPT, जहाँ से आप अपनी जो भी क्वेरीज होती हैं, जो GST से रिलेटेड हो या फिर अकाउंट से रिलेटेड हो, उनके आंसर यहीं से आप सर्च कर पाएंगे, उन्हें आप यहीं से एक्सेस कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को ऑटोमेट करना सीखते हैं। अभी आप देखिए हमारी इस टेली कंपनी में कोई भी एंट्री हमने पोस्ट नहीं की है, आप पूरा देख सकते हैं, कोई भी एंट्री हमने यहाँ पर पोस्ट नहीं की है। मैं सारी की सारी एंट्रीज सुविट वेब एप्लीकेशन के माध्यम से टेली में सेंड करने वाला हूँ। ये हमारा एक बैंक स्टेटमेंट है जो कि लेटेस्ट है, इसी फाइनेंशियल ईयर का है, नवंबर 22 तक का बैंक स्टेटमेंट आपके सामने है। इस बैंक स्टेटमेंट में लगभग 180 के आसपास एंट्रीज हैं, 180 एंट्रीज। अब इसे मैं PDF फॉर्मेट में, ये है, इसे मैं पहले सुविट वेब एप्लीकेशन में अपलोड करूँगा, देन फिर वेब एप्लीकेशन से टेली के अंदर सीधे पोस्ट करेंगे। आइए चलते हैं सुविट वेब एप्लीकेशन में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन में इम्पोर्ट स्टेटमेंट का हमें एक बटन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है। हमारे पास दो कंपनीज आ रही हैं क्योंकि मैंने बताया था आपको वेब कनेक्टर के अंदर हमने दो कंपनीज को यूज़ कर रखा है। जिस कंपनी के डेटा आपको ऑटोमेट करने हैं, अपलोड करने हैं, उसे आप सेलेक्ट कीजिए। और जो अप्रोप्रिएट बैंक लेजर है जो आपने टेली में इसके लिए क्रिएट कर रखा है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन आप यहाँ पर अपनी PDF फाइल्स को या एक्सेल फॉर्मेट की फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्लिक टू अपलोड। देन जहाँ पे भी आपका स्टेटमेंट रखा हुआ है, वहाँ से उस लोकेशन से सुविट वेब एप्लीकेशन में अपलोड कर लीजिए। यदि आपका बैंक स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में है तो यहाँ दिया गया है अप टू 30 मिनट्स उसे प्रोसेस करने में लगेंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल PDF है तो अप टू 1 आवर, और स्कैन PDF है तो अप टू 12 आवर्स लगेंगे। लेकिन ये सारा मैक्सिमम टाइम यहाँ पर दिया गया है। अभी आप देखेंगे कुछ ही सेकेंड्स में हमारी ओरिजिनल PDF बैंक स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर अपलोड होने वाली है। चलिए मैं अपलोड बटन पर क्लिक करता हूँ। अपलोड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सुविट बैंक स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग का स्टेटस दिखा रहा है, प्रोसेसिंग। अब जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद यहाँ पर हमारा स्टेटस चेंज होकर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सेकेंड्स हमें वेट करना है, तब तक मैं इस वेब एप्लीकेशन के कुछ और फीचर्स आपको बता देता हूँ। ऊपर आप जो बटन देख रहे हैं, पहला बटन जो टेली कनेक्टर के लिए है जिसे हमें डाउनलोड करना होता है, पास में आप सपोर्ट का बटन देख रहे हैं। यदि आपको इस वेब एप्लीकेशन से लेकर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, या आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, कोई फीचर के बारे में समझना चाहते हैं, तो सपोर्ट पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप इस एप्लीकेशन का लाइव डेमो देखना चाहते हैं या यूज़ करके देखना चाहते हैं, तो 7 डेज का फ्री ट्रायल भी उपलब्ध है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या इन नंबर्स पर कॉल करते हुए आप इनके सपोर्ट से बात कर सकते हैं। इसी तरह से आपको कोई नोटिफिकेशन मिलेगा तो वो सब कुछ यहाँ दिखाई देगा, और आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड सारा डेटा आपको यहाँ दिखाई देगा। इस वेब एप्लीकेशन का एक और महत्वपूर्ण अच्छा फीचर मुझे ये लगा कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, यदि आप किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो हर स्टेप के लिए इन्होंने अलग से ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं जिन्हें आप हर सेक्शन में देख पाएंगे। यदि आप वीडियोस देखने में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जहाँ से आप सारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और नीचे की तरफ आपको चैट सेक्शन मिलेगा, आप डायरेक्टली सपोर्ट से चैट करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। लीजिए अभी तक हम बात ही कर रहे थे, रिदर सुविट ने हमारे बैंक स्टेटमेंट को सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 180 ट्रांजेक्शन्स थे, और इन ट्रांजेक्शन्स को यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स लिस्ट आउट होते हुए आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप देखिए टोटल 180 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन ट्रांजेक्शन्स को हमें टेली में किस तरह से सेंड करना है, उसका प्रोसेस क्या होगा वो देखते हैं। आप वन बाय वन किसी भी ट्रांजेक्शन को यदि सेंड करना चाहते हैं तो आप पहले ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कीजिएगा, देन फिर उसका लेजर आपको सेलेक्ट करना होगा। अब लेजर कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी लेजर्स आपने टेली में क्रिएट कर रखे हैं उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सपोज़ यहाँ पर हम कोई
एक्सपेंसेस को बुक करना चाहते हैं, तो एक्सपेंसेस के लिए हमने जो लेजर्स यहाँ पर क्रिएट किए होंगे वो लेजर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए एसएमएस चार्जेस। तो इस तरह से हम यहाँ पर लेजर्स को इस एंट्री के साथ एसोसिएट करेंगे, जोड़ेंगे, और देन फिर इस एंट्री को सेव करते हुए सेंड टू टेली करेंगे, तो ये ट्रांजेक्शन टेली में पोस्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर तो मैनुअल काम की तरह ही बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो हम इस स्वीट वेब एप्लीकेशन को बल्क में एंट्रीज पोस्ट करने के लिए ही यूज़ करने वाले हैं। तो वो किस तरह से करना है, तो यहाँ आप जो ट्रांजेक्शन देख रहे हैं उन ट्रांजेक्शन्स में आप कीवर्ड के माध्यम से अपने ट्रांजेक्शन को सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड मीन्स हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनका नेचर लगभग एक जैसा होता है, और ऐसी कई एंट्रीज बार बार रिपीट होती हैं। उन एंट्रीज को एक साथ हम सर्च कर सकते हैं। किस तरह से, सपोज इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास LIC नाम से बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, तो मैंने जस्ट डिस्क्रिप्शन में LIC टाइप किया, तो आप देख रहे हैं कि LIC से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो यहाँ पर फिल्टर आउट हो चुके हैं। देन इन सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ हम टेली में बने हुए लेजर में पोस्ट करना चाहते हैं, तो लेजर को इन ट्रांजेक्शन के साथ लिंक करना है। अब हम एक एक ट्रांजेक्शन के साथ एक एक लेजर को सेट तो नहीं कर सकते, उसके लिए ऊपर की तरफ आप देखेंगे लेजर का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ आकर आपको पहले एंट्रीज को सेलेक्ट करना है, देन लेजर को सेलेक्ट करना है। ये वो सारे लेजर हैं जो टेली में क्रिएट किए गए हैं। तो LIC हमारी लेजर है, तो जैसे ही मैंने LIC सेलेक्ट किया तो ये सारी एंट्रीज LIC के साथ एसोसिएट हो गई हैं। अब फिर से सारे ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करते हुए हमें सेव द ट्रांजेक्शन बटन पर क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली, देन इन सारे ट्रांजेक्शन को हम सेंड करना चाहते हैं टेली में, तो सेंड टू टेली। अब ये सारे ट्रांजेक्शन कहाँ पुश हो रहे हैं, टेली सॉफ्टवेयर के अंदर। चलिए ये करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका टेली का जो कनेक्टर सॉफ्टवेयर है वो ऑन होना चाहिए। तो देखिए एक सेकंड के अंदर 6 हमारे ट्रांजेक्शन टेली के अंदर पुश हो चुके हैं। चलिए टेली में चलकर देखते हैं, टेली सॉफ्टवेयर के अंदर अभी हम देखते हैं। देखिए ये ट्रांजेक्शन यहाँ आ चुके हैं, और मैं आपको डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ। ये 6 ट्रांजेक्शन मैंने अभी पोस्ट किए थे, वो 6 के 6 ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ चुके हैं। और जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था जिसको मैंने SMS चार्जेस लेजर में एसोसिएट किया था, जोड़ा था, वो भी यहाँ पर पोस्ट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कितना आसान प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को लिंकअप करते हुए एक साथ टेली में पोस्ट कर सकते हैं। जिन ट्रांजेक्शन्स को एक बार आप सेव करते हुए टेली में पुश कर देंगे, वो ट्रांजेक्शन्स इस तरह से सिंक्रोनाइज ट्रांजेक्शन के रूप में आपको डिसेबल फॉर्मेट में दिखाई देंगे, ताकि फिर से डबल एंट्री या डुप्लीकेट एंट्री ना हो, उस वजह से इस तरह से आपको डिसेबल होते हुए दिखाई देंगे। अब बाकी के सारे ट्रांजेक्शन यदि हमें देखने हैं तो क्या करना होगा, इस कीवर्ड को यहाँ से हटाना होगा। जैसे आप कीवर्ड हटाएंगे तो जो बाकी के ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। अब जैसे एक और ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे इस ट्रांजेक्शन में कई जगह पर पुष्पेंद्र नाम से एक पार्टी है, उसके ट्रांजेक्शन्स होते हैं। पर इस पुष्पेंद्र में आप देख रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन पेमेंट वाउचर में ही जाने वाले हैं, पेमेंट नेचर का ट्रांजेक्शन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ट्रांजेक्शन रिसिप्ट का भी है। तो क्या करना है, फिर से हम टाइप में जाएंगे और केवल पेमेंट की एंट्रीज को ही यहाँ पर डिस्प्ले कर लेंगे, तो पेमेंट की एंट्रीज ही हमें यहाँ पर मिलने वाली है। अब इन सारे ट्रांजेक्शन को किस लेजर से हमें एसोसिएट करना है, उसके लिए सारे ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कीजिए, ऊपर सेलेक्ट लेजर, देन फिर यहाँ से लेजर हमें सेलेक्ट करना होगा। तो इसका जो लेजर है वो लेजर होगा, अब देखिए वो लेजर नहीं है, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस के नाम से ये सारी एंट्रीज हमें पोस्ट करनी है, पर वो लेजर यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं से स्वीट से ही लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब सिंपल जैसे हम टेली के अंदर लेजर क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी लेजर क्रिएट करना होता है। अब न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस लेजर किस ग्रुप का मेंबर है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेते हैं और देन ऐड करते हुए इसे सेव कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारी इस लेजर लिस्ट में न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस आ चुका है, और इन सारी एंट्रीज को पहले हमें सेलेक्ट करना है, देन फिर न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस वाला लेजर यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही ये सारी एंट्रीज इस लेजर के साथ एसोसिएट हो गई हैं, देन आप इसे सेलेक्ट कीजिए और सेव कर लीजिए। अब इन एंट्रीज को भी हमें टेली में पास करना है, तो वही प्रोसेस वापस से रिपीट करना होगा, सेंड टू टेली, देन ओके, 11 ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज इन टेली। अब 11 ट्रांजेक्शन हमारे टेली में सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, यानी टेली में पुश हो चुके हैं। जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन को पुश करेंगे तो वैसे वैसे हर बार आपको टेली का जो कनेक्टर एप्लीकेशन है वो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, योर डेटा प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, देन आप उसे ओके कर लीजिएगा।
और भी ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं जो आपको इसी तरह से टैली के अंदर पुश करने होते हैं। जिन ट्रांजेक्शन को एक बार आप पुश कर लेते हैं, यदि आप उन्हें हाइड करना चाहते हैं तो पहले तो फिल्टर को क्लीन कर लीजिएगा, देन हाइड टैली सिंक्रोनाइज रिकॉर्ड। तो जितने भी ट्रांजेक्शन आपने टैली में सेंड किए हैं, ये आपको बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हाइड हो जाएंगे। यदि आपने पहले से कोई ट्रांजेक्शन सेव कर रखे हैं तो वो आपको अलग से दिखाई देंगे। जो रिकॉर्ड्स ब्लैंक हैं, जिन्हें आपने अभी तक किसी भी लेजर से एसोसिएट नहीं किया है, उन्हें भी आप यहाँ से अलग अलग फिल्टर के थ्रू देख सकते हैं। आप ट्रांजेक्शन को डेट वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का जो AI वाला फीचर है वो ये है कि आप एक बार जब ट्रांजेक्शन को मैप कर लेंगे, अगली बार जैसे ही इस वेब एप्लीकेशन को वैसा ही कोई ट्रांजेक्शन मिलेगा तो वो लेजर ऑटोमेटिकली आपको सजेस्टेड लेजर में शो होने लगेगा। अब हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जहां पर राजस्थान नाम से कीवर्ड आपको मिलेगा। अब इन एंट्रीज में दोस्तों कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो रिसिप्ट नेचर की हैं और मैक्सिमम एंट्रीज हमारी पेमेंट नेचर की हैं। तो यदि हम पेमेंट नेचर के ही ट्रांजेक्शन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से टाइप के अंदर पेमेंट सेलेक्ट कीजिएगा, सारी एंट्रीज को सेलेक्ट करना है और इनका जो लेजर हमें यूज़ करना है वो लेजर होगा RKCL। तो यहाँ से आप लिस्ट के अंदर RKCL इस तरह से लेजर सेलेक्ट करेंगे। सारे लेजर्स यहाँ पर एसोसिएट हो चुके हैं इन एंट्रीज के साथ, और इन सारी एंट्रीज को सेव करते हुए जब हम टैली में पास कर रहे हैं तो इस सारी एंट्रीज के अंदर नरेशन के साथ एंट्रीज आपको टैली में शो होने वाली है। और अब 40 एंट्रीज टैली में सक्सेसफुली सेंड हो चुकी हैं। आइए चलते हैं टैली में। पहले हमारी स्वीट वेब एप्लीकेशन में जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है उसे ओके कर लेते हैं, देन टैली में जाके देखते हैं। अब टैली के अंदर डे बुक में हमने सारी डेट्स को चेंज कर लिया। आप देख रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए, ये कोई ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये देखिए नरेशन भी यहाँ पर पोस्ट हो जाती है। ये नरेशन भी यहाँ पर सारी एंट्रियों में ऐसा ही कुछ होने वाला है, नरेशन भी आपको साथ में मिलेगी। तो ये तो बात थी बैंक ट्रांजेक्शन की। यहाँ पर एक बटन और है, ड्रॉअर बटन, जिसके माध्यम से आप इस एप्लीकेशन में यूज़ होने वाले शॉर्टकट कीज़ को देख सकते हैं। जो एंट्रीज सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं या जो टैली में जा चुकी हैं उनके लिए ग्रीन डॉट आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको ग्रीन में सारे सीरियल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जिनकी प्रोसेसिंग हो रही है उनके लिए अलग से एक डॉट ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, और जो टैली में सिंक्रोनाइज नहीं हो पाई है या कोई एरर है उसके लिए रेड डॉट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में एंट्रीज के अंदर आए हुए कीवर्ड्स को टाइप करना है, देन फिर उन एंट्रीज को सेलेक्ट करते हुए लेजर्स को यहाँ से सेलेक्ट करना है, और वो लेजर्स यहाँ पर हमें फिल आउट होते हुए दिखाई देंगे और उन एंट्रीज को सेव करते हुए हम टैली में सेंड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कीवर्ड के माध्यम से एंट्रीज को सेलेक्ट करने के बाद, फिल्टर करने के बाद लेजर्स को ऑटोफिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सेटिंग बटन के अंदर आपको रूल लिस्ट और क्रिएट रूल दो ऑप्शन मिलेंगे। रूल लिस्ट में आप देख रहे हैं कि जब भी किसी एंट्री में कीवर्ड LIC आएगा तो उसका लेजर सुविट सजेस्ट करते हुए LIC फिल आउट कर देगा। इस तरह से किसी एंट्री के अंदर PUS कीवर्ड आएगा तो उसका लेजर न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस होगा। किसी एंट्री के अंदर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन या राजस्थान के नाम से कोई कीवर्ड आएगा तो उसका लेजर ऑटोमेटिकली RKCL हो जाएगा। यदि हम कोई नया रूल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सेटिंग्स में ही क्रिएट रूल ऑप्शन हमको मिलेगा, और यहाँ से हम कीवर्ड टाइप कर देंगे। सपोज हमारा कीवर्ड है SMS चार्जेस। अब इस कीवर्ड के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें ट्रांजेक्शन का टाइप क्या होगा, पेमेंट, और अमाउंट अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें कि 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक, 1000 से 5000 तक, तो वो भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज सीधे आप लेजर को यहाँ से फिल आउट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने जो लेजर यूज़ किया है वो है SMS चार्जेस, और जैसे आप इसे सेव करेंगे फिर हम जैसे ही ट्रांजेक्शन में जाते हुए SMS कीवर्ड को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो SMS से रिलेटेड जितनी एंट्रीज हैं वो फिल्टर आउट होंगी, और आप देखेंगे कि सजेस्टेड लेजर्स में SMS चार्जेस का लेजर पहले से फिल आउट हो चुका है। अब इन्हें हमें किस लेजर से एसोसिएट करना है, तो टैली के अंदर जो लेजर्स बने हुए हैं वो लेजर यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, स्वीट ने सजेस्ट कर दिया है। आप इन सबको कॉपी ऑल सजेशन, ये सजेस्टेड लेजर हैं, इन्हें हमें टैली के लेजर से एसोसिएट करना है। तो वन क्लिक में ये एसोसिएट हो जाएंगे, देन आप इन सारे ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कीजिए, सेव कीजिए, और सेंड टू टैली बटन का यूज़ करते हुए इन ट्रांजेक्शन को हम टैली में पास कर देंगे। देखिए इस तरह से, देन फिर आप ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट टाइप भी आपको मिलेगा। ये सेलेक्ट टाइप क्या है दोस्तों, किसी ट्रांजेक्शन में हो सकता है आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया हो या बैंक से कैश विड्रॉ किया हो, तो उन ट्रांजेक्शन के लिए भी यहाँ पर
ट्रांजेक्शन टाइप, कॉन्ट्रा डिपॉजिट, कॉन्ट्रा विड्रो, वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अभी स्वीट एप्लीकेशन से न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस जो लेजर बनाया था वो लेजर भी यहाँ पर टेली के अंदर क्रिएट हो चुका है। हमारे टेली के अंदर वो लेजर नहीं था, तो स्वीट वेब एप्लीकेशन से जो भी लेजर्स आप क्रिएट करेंगे वो डायरेक्टली हमारी टेली सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट होते हुए आपको दिखाई देंगे। बैंक स्टेटमेंट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 180 ट्रांजेक्शन थे, उसमें से 137 अभी पेंडिंग है, 43 ट्रांजेक्शन्स सिंक्रोनाइज हो चुके हैं यानी टेली में हमने सेंड कर दिए हैं और स्वीट ने 39 सजेशंस तैयार कर लिए हैं। दोस्तों जैसे जैसे आप स्वीट वेब एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे इसका AI फीचर आपको सजेशंस दिखाता रहेगा और उससे आपका काम बहुत फास्ट होने लगेगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस बैंक स्टेटमेंट को लेकर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमें मिलता है ट्रांजेक्शन सेक्शन जिसमें सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जनरल एडजस्टमेंट एंट्रीज और वाउचर्स हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेल्स के ट्रांजेक्शन्स को ऑटोमेट करके दिखाता हूँ। यदि आपके पास सेल्स के डेटा एक्सेल फॉर्मेट में है या आपको कोई इनवॉइस कस्टमर ने सेंड की है और वो इमेज फॉर्मेट में है या फिर सिंपल कोई इनवॉइस है तो आप उन्हें डायरेक्टली इस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से टैली में सेंड कर सकते हैं। हम सबसे पहले एक्सेल की बात करते हैं। एक्सेल में हमारा जो डेटा है वो एक निश्चित फॉर्मेट में हमें तैयार करना होता है। तो यहाँ आप देखेंगे अपलोड बटन के पास में डाउनलोड सैंपल, यहाँ से स्वीट आपको सैंपल फाइल डाउनलोड करने की फैसिलिटी देता है। यदि आपकी सेल्स का रिकॉर्ड, यदि आपकी सेल्स की एंट्रीज विद आइटम है तो आपको किस तरह से अपनी एक्सेल फाइल को तैयार करना है, और यदि आपके सेल्स ट्रांजेक्शन विदाउट आइटम्स हैं, स्टॉक आइटम का आप यूज़ नहीं करते हैं, तो भी आप यहाँ से सैंपल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार विद आइटम सैंपल फाइल को डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्वीट ने हमें सैंपल फाइल डाउनलोड करके दे दी है। आपको अनेबल एडिटिंग करना है, देन फिर इस सैंपल फाइल को यूज़ करते हुए इसी फॉर्मेट में डेटा को इनपुट करना है। इस फॉर्मेट में जो रेड कलर में फील्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एसेंशियल है, इन्हें आपको इनपुट करना है। जो ब्लू कलर के अंदर हेडर्स दिखाई दे रहे हैं वो ऑप्शनल है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। रेड कलर वाले फील्ड्स के अंदर इन्फॉर्मेशन हमें फिल आउट करनी है। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डेटा तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉलम में इनवॉइस नंबर लिखे हुए हैं और कुछ इनवॉइस नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों यदि किसी इनवॉइस में केवल एक सिंगल आइटम है तो उसका इनवॉइस नंबर आपको यूनिक रखना है, लेकिन यदि एक सिंगल इनवॉइस में मल्टीपल आइटम्स हैं तो सेम उसी इनवॉइस नंबर को हमें रिपीट करते हुए फिर यहाँ पर डेटा एक्सेल शीट में तैयार करना है। और जितने भी पार्टीज के लेज़र हैं या GST के लेज़र्स हैं उन्हें हम अपनी टेली कंपनी के साथ पहले स्वीट कनेक्टर के माध्यम से एक बार सिंक्रोनाइज कर लेंगे। सिंक्रोनाइज करने से क्या होगा, सारे मास्टर्स और वाउचर्स स्वीट की वेब एप्लीकेशन के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जो लेजर्स टेली में क्रिएट किए हुए नहीं होंगे उनके लिए स्वीट हमें सजेस्ट कर देगा। तो आइए चलते हैं अब स्वीट वेब एप्लीकेशन के अंदर और देखते हैं कि सेल्स की एक्सेल फाइल हमें किस तरह से अपलोड करनी है। तो यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक कीजिएगा, देन फिर कंपनी को सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट टाइप, टाइप के अंदर आपका इनवॉइस किस टाइप का है, विदाउट आइटम या विद आइटम, मीन्स आपकी एक्सेल फाइल आपने किस तरह से तैयार की है, आइटम वाली एक्सेल फाइल है या विदाउट आइटम वाली एक्सेल फाइल है। तो हमारी विद आइटम इनवॉइस हमने तैयार किया है एक्सेल फाइल को, इसलिए इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया है और क्लिक टू अपलोड, अपलोड करने के लिए हमने अपनी एक्सेल फाइल को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर एक्सेल फाइल को अपलोड करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो एक्सेल फाइल है उसमें फर्स्ट ये हेडर ही रहना चाहिए, इसके ऊपर हमें कुछ लिखना नहीं है, जैसे कंपनी का नाम या कुछ भी, और कोई डॉट या कोई डॉलर का साइन, इस तरह से हमें इस फर्स्ट रो में केवल स्वीट के द्वारा दिए गए हेडर रो को ही रखना है। और इस एक्सेल फाइल की साइज मैक्सिमम 30 MB हो सकती है, इससे बड़ी साइज की एक्सेल फाइल एक साथ आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। इस तरह से जब भी आप एक्सेल फाइल को अपलोड करें उससे पहले एक बार अपने डेटा को आपको सिंक्रोनाइज कर लेना है। और यहाँ पर एक्सेल फाइल में डेट फॉर्मेट जो रहेगा वो DDMM YYYY, इसी फॉर्मेट में आपको डेट को इनपुट करना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए जैसे ही आप अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल फाइल हमारी स्वीट की वेब एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगी और स्टेटस आप देख रहे हैं कंप्लीट आपको दिखाई देगा। जब हम बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहे थे तो वहाँ पर PDF फॉर्मेट में हमने फाइल को अपलोड किया था, उस फाइल को प्रोसेस होने में कुछ मिनट्स लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेल फाइल तुरंत अपलोड हो जाती है और स्टेटस हमें कंप्लीट दिखाई देता है। दोस्तों इसी तरह से यदि आपके पास सेल्स का डेटा इमेज फॉर्मेट में है
तो उसे भी आप सुविट में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इमेज सिंगल पेज का इमेज होना चाहिए, चाहे वो आपके पास प्रिंटेड रिसिप्ट हों या JPG, PNG, JPEG फॉर्मेट में हो, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंगल पेज की PDF फाइल है तो उसे भी आप इमेज के फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और यही नहीं, आप डायरेक्टली सुविट से अपनी सेल्स इन्वॉइस को तैयार भी कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट इन्वॉइस पर क्लिक करेंगे, आप कंपनी सेलेक्ट कीजिएगा, देन आइटम इन्वॉइस है विद आइटम विदाउट आइटम, उस तरह से आप टाइप को सेलेक्ट कीजिए और देन प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर जिस तरह से हम टैली के अंदर इन्वॉइस क्रिएट करते हैं, यहाँ पर भी आप सेम वही तरीका वही मेथड देख पाएंगे और यहाँ से भी इन्वॉइस क्रिएट कर पाएंगे। ये सारी इन्वॉइसेस हमारे टैली सॉफ्टवेयर में हम डायरेक्टली सुविट के माध्यम से पुश कर सकते हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहले जो एक्सेल फाइल मैंने अपलोड की थी उसको किस तरह से एक साथ बल्क ट्रांजेक्शन के रूप में हम टैली के अंदर सेंड करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे, जैसे ही मैंने उस एक्सेल फाइल पर क्लिक किया, सुविट सबसे पहले हमें हमारी एक्सेल फाइल के हेडर्स के साथ टैली के फील्ड्स को मैच करने के लिए सजेस्ट करता है। मैक्सिमम सजेशंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ साइड में आप देखेंगे 1, 2, 3 दिखाई दे रहा है, यानी हमारी एक्सेल के अंदर जो भी डेटा हमने यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट टाइम आपको करना है, देन ऑटोमेटिकली मैपिंग होने के बाद नेक्स्ट टाइम सुइट खुद ही ये सारा कुछ सेट कर देगा। आपको इस स्क्रीन पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देन SGST, CGST और IGST लेजर्स को यहाँ पर मैप करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए इस स्क्रीन को सेव एंड प्रोसीड करना है। यदि हम किसी भी फील्ड को मैप करने से रह जाते हैं तो सुइट सजेस्ट करेगा, प्लीज़ मैप मैंडेटरी फील्ड्स, जैसे पार्टी अकाउंट नेम, ये हमने मैप नहीं किया है। तो हम फिर से प्रीवियस स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ आप देखिएगा पार्टी अकाउंट नेम में प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया है, तो इस जगह पर मुझे क्या लेना है, पार्टी अकाउंट नेम। देन फिर से मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, फिर नेक्स्ट पर, देन लास्ट स्क्रीन पर सेव एंड प्रोसीड। अब देखिए जितना भी हमारा सेल्स का डेटा था वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे GST के साथ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। जहाँ पर CGST और SGST कैलकुलेट होने थे वहाँ पर CGST SGST कैलकुलेट हो रहे हैं, जहाँ पर IGST कैलकुलेट होना था उस कॉलम में IGST आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारा कुछ ऑटोमेट हो चुका है। देन इन सारे ट्रांजेक्शन को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इन्हें सेव करना है, सेव करने के बाद सेंड टू टैली। जैसे आप सेंड टू टैली करेंगे ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे टैली में सेंड होने वाले हैं और सुइट की टैली कनेक्टर ऐप ने हमें मैसेज डिस्प्ले कर दिया है कि हमारा डेटा सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो चुका है, टैली के अंदर पुश हो चुका है। आइए चल के देखते हैं टैली में कि डेटा हमारा पोस्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स देन अकाउंट्स बुक्स और यहाँ पर सेल्स रजिस्टर ओपन करके देखते हैं। देखिए अप्रैल और मई का डेटा यहाँ पर अपलोड हो चुका है, आप देख पा रहे हैं ये सारा डेटा जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो सारा डेटा यहाँ आ चुका है विद GST। GST के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं GST के लेजर्स के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे किसी इन्वॉइस में मल्टीपल आइटम्स हैं तो वो भी सीधे यहाँ पर पोस्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों कितनी आसानी से हमने ये काम कर लिया है। यदि हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो मिनटों में जो काम करने के लिए हमें घंटों लगते हैं वो सारा काम आप मिनटों में सुइट ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। आप अपनी एक्सेल फाइल के अंदर डेटा को अपलोड कीजिए, देन सीधे सुइट ऐप के माध्यम से यहाँ पर टैली के अंदर उन्हें पुश कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यदि परचेज का डेटा है तो उन्हें भी आप सीधे सुइट ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न के लिए, परचेज रिटर्न और जनरल ट्रांजेक्शन, इन सब का प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे आप सुइट के माध्यम से अपने डेटा को टैली के अंदर सेंड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी GST रिपोर्ट्स भी तैयार हो जाएंगी। GST रिपोर्ट्स में अभी हमने सेल्स का डेटा अपलोड किया है तो आप देखेंगे कि यहाँ सारा का सारा GSTR1 तैयार हो चुका है। इसी तरह से GSTR3B में भी एंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सुइट वेब एप्लीकेशन में लगातार अपडेशन हो रहे हैं, नए नए ऑप्शंस, नए नए फीचर्स, नए नए टूल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं में से एक टूल है डैशबोर्ड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बटन बार पर ऑडिट नाम से आपको एक टूल मिलेगा। यदि आप GST के रजिस्टर्ड यूज़र हैं, आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो आप सीधे सीधे अपने GSTR1, GSTR2A या GSTR2B को सुइट ऐप से ही रिकनसाइल कर सकते हैं। अभी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो ट्यूटोरियल मैंने तैयार किया है और अभी मेरे पास GST रजिस्ट्रेशन की डिटेल नहीं है। अदरवाइज़ आप सीधे सीधे बिना टैली को ओपन किए हुए भी अपनी कंपनी को सेलेक्ट कीजिए सुइट ऐप से,
देन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जीएसटी आईएन नंबर डालिए, यूजर नेम डालिए, आपको एक ओटीपी मिलेगा और आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने GSTR1, GSTR2A और GSTR2B सीधे GST पोर्टल से स्वीट ऐप में फेच कर सकते हैं और यहीं से इन्हें रिकंसाइल कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन सेक्शन में लास्ट में आपको मिलेगा क्रिएट वाउचर। इस ऑप्शन के माध्यम से आप तीन प्रकार के वाउचर, पेमेंट, रिसिप्ट या कॉन्ट्रा, सीधा स्वीट ऐप से क्रिएट करते हुए टेली में पुश कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक वाउचर क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना है, देन पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा किस तरह का आपका वाउचर आपको क्रिएट करना है वो सेलेक्ट करना है, और जो भी वाउचर आप क्रिएट कर रहे हैं उनके नंबरिंग को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर अभी पेमेंट वाउचर चल रहा है 49 नंबर, तो 49 नंबर का हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं वाउचर। तो पेमेंट वाउचर का नंबर मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया 49। अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है, तो कैश हम पेमेंट कर रहे हैं। डेट सेलेक्ट करना है, तो 25th नवंबर की एंट्री में पास करने वाला हूँ। पर्टिकुलर्स के अंदर हम वो लेजर सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें पेमेंट करना है, तो न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस ले लेते हैं, देन 300 रुपीज़, और अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमें वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा, वेरीफाइड है ट्रांजेक्शन, देन एक्शन में आपको जाना है और सिंक्रोनाइज इन टैली। जैसे आप ये करेंगे आपको ध्यान रखना है, चेक इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर PC, यानी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। हमारी स्वीट की जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी टैली कनेक्टर जो है वो ऑन होना चाहिए, और हमारी जो भी पर्टिकुलर कंपनी थी वो टैली के अंदर सेलेक्टेड होनी चाहिए। तीनों चेक बॉक्सेस पर टिक करने के बाद आप यस आई चेक बटन पर क्लिक कीजिएगा और ये वाउचर हमारे टैली के अंदर इंसर्ट हो चुका है। हमारे पास मैसेज आ गया है, योर डेटा प्रोसेस हैज़ बीन कम्प्लीट। चलिए टैली में चलकर देखते हैं। टैली के अंदर 25th नवंबर को ये ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट किया था। देखिए 25th नवंबर को अभी मैंने आपके सामने न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस की एंट्री को स्वीट ऐप में वाउचर क्रिएशन के थ्रू क्रिएट करते हुए पोस्ट किया है। नेक्स्ट सेक्शन है मास्टर सेक्शन, जिसमें आप बल्क में लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको सैंपल फाइल यहाँ पर दी गई है, आप सैंपल फाइल को डाउनलोड कीजिए और इस सैंपल फाइल के अकॉर्डिंग अपने जितने भी लेजर्स हैं, मास्टर हैं, जिन्हें आप क्रिएट करना चाहते हैं उन्हें आप यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। इस तरह से आप अनेबल एडिटिंग कीजिए और जो भी हम टैली के अंदर फील्ड्स का यूज़ करते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको फील्ड्स मिल जाएंगे। उन फील्ड्स का यूज़ करते हुए आप लेजर्स की एक बार लिस्ट बना लीजिए और सीधे आप एक्सेल से स्वीट ऐप के माध्यम से टैली के अंदर उन्हें क्रिएट कर पाएंगे। लेजर की तरह ही यदि आपके पास आइटम्स हैं, स्टॉक आइटम्स हैं, और उन्हें भी आप बल्क में टैली के अंदर अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसका भी प्रोसेस सेम रहेगा। देन रूल लिस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, रूल लिस्ट जो मैंने आपको बनाकर दिखाया भी था, यहाँ से भी आप रूल लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने किस लेजर के लिए, किस कीवर्ड के लिए कौन सा लेजर मैप किया है। चलिए दोस्तों, अब आपको स्वीट वेब एप्लीकेशन के एक और धमाकेदार और नए अपडेटेड टूल से मिलवाता हूँ, और वो टूल आपको मिलेगा इसी बटन बार पर नीचे की तरफ आप देखेंगे, रिपोर्ट नाम से एक नया टूल आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी MIS नीड्स को फुलफिल करने के लिए सारे रिकॉर्ड्स ग्राफिकल फॉर्मेट में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए बार बार अलग अलग एक्सेल शीट्स या अलग से एम्प्लॉयज़ को टास्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह टूल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का काम करने वाला है और आपको सारे अलग अलग टाइल्स के अंदर रिपोर्ट्स यहीं पर देखने को मिलने वाली है। बस इसके लिए आपको स्वीट का टैली कनेक्टर ओपन करना है और उसमें सिंक्रोनाइज वाउचर बटन पर क्लिक करना है। जैसे सारे वाउचर्स हमारे टैली से सिंक्रोनाइज होंगे आपको ये रिपोर्ट मेरी तरह यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगी, जिसमें आप परचेस का रिपोर्ट देख पाएंगे, सेल्स के सारे रिपोर्ट देख पाएंगे। यही नहीं, आपको यहाँ पर मंथली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली सारा डेटा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सेल्स और सेल्स रिटर्न, परचेस वर्सेस सेल्स, इसी तरह से पेबल वर्सेस रिसीबल, पेमेंट वर्सेस रिसिप्ट, बैंक और कैश के बैलेंसेस, अलग अलग वाउचर टाइप्स, लेजर ग्रुप, क्रेडिट में कितना सेल किया है, कैश में कितना सेल्स है, यही काम परचेस, पेमेंट, रिसिप्ट, क्रेडिट नोट्स के साथ भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह से आपने जो जो लेटेस्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं उनकी रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएंगी। कैटेगरी वाइज स्टॉक आप देख पाएंगे, स्टॉक ग्रुप वाइज उनका बाइफर्केशन देख पाएंगे, परचेज और पेमेंट का ट्रेंड देख पाएंगे, टॉप 5 आपके कौन कौन से कस्टमर्स हैं, टॉप 5 सप्लायर्स, टॉप 5 ट्रेंडिंग आइटम्स, आपका कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इस तरह से सेल्स और कलेक्शन का ट्रेंड और आपके डेटर की परफॉर्मेंस, एजिंग वाइज उनका एनालिसिस, आपको सब कुछ इस टूल में मिलने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा था कि एक धमाकेदार टूल है जो टैली यूज़र के लिए तो एक तरह से
वरदान साबित होने वाला है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ अलग अलग टेप्स मिलेंगी जिसमें आप सेल्स की रिपोर्ट देख सकते हैं और यहाँ पर आपको फिल्टर भी दिए गए हैं। यदि आप अनपेड ट्रांजेक्शन देखना चाहें, पेड ट्रांजेक्शन देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी पार्टी का पूरा डिटेल, उस पार्टी को आपने क्या सेल आउट किया है, कितना सेल आउट किया है, उसकी इनवॉइस भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। आप इस इनवॉइस को शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या लिंक कॉपी करते हुए भेज सकते हैं या उसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से स्वीट ऐप से ही उसे प्रिंट भी किया जा सकता है। तो ये सारे टूल आपको इस रिपोर्ट सेक्शन में देखने को मिलेंगे। परचेज के साथ, पेमेंट रिसिप्ट के साथ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स भी यहीं पर मिल जाएंगी। बैंक और कैश मिल जाएगा, आइटम्स की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, पार्टी वाइज आप एनालिसिस कर सकते हैं और लास्ट में एक टूल मिलेगा मैप व्यू, जिसके थ्रू आप सारा का सारा सेल्स का डाटा यहाँ पर देख पाएंगे। आपने पर्टिकुलर किसी स्टेट में कितना सेल किया है वो आपको ऊपर की तरफ यहाँ फिगर दिखाई दे रहा है। आप नेट सेल्स और ग्रोथ सेल्स दोनों की वैल्यूज यहाँ पर टॉगल बटन है जिसके थ्रू देख पाएंगे। तो ऐसे नए नए फीचर्स इस ऐप में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम अपने सारे अकाउंटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। स्वीट ऐप उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ऐप में लगातार नए नए अपडेट्स होते जा रहे हैं और वो सारे अपडेट्स आपको इस डैशबोर्ड विंडो में यहाँ पर दिखाई देते हैं। यदि आपको स्वीट से लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न है या आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर आप सीधे स्वीट की वेबसाइट पर जाते हुए साइन अप करेंगे तो आपके लिए 7 डेज का फ्री ट्रायल यहाँ पर उपलब्ध है। आप ज़रूर एक बार इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को एक बार यूज़ करेंगे तो इसके सारे फीचर्स को देखते हुए आपका भी ये सॉफ्टवेयर मेरी तरह फेवरेट बन जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।